सॉरी भाभी, हमने आपको गलत समझा, आप एक एंजल हैं, अपनी लाइफ अब एंजल की तरह ही जिए। ऐसा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। हार्दिक पांड्या की पत्नी नहीं, हार्दिक पांड्या की एक्स पत्नी यानी नताशा स्टैंकोविक पर क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था। 18 जुलाई 2024 को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान कर दिया था कि अब हम दोनों म्यूचुअल तौर पर अलग रह रहे हैं, हम साथ में को पेरेंटिंग करेंगे, यानी उनका जो बेटा है अगस्त्य उसको हम लोग साथ में बड़ा करेंगे, लेकिन हम अलग हो चुके हैं, हमारे बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टफुली हम लोग अलग हुए। अब इस चीज को एक महीना भी अभी तक नहीं हुआ है और हार्दिक पांड्या की डेटिंग की खबरें आ गई। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, आपको याद होगा जब नताशा और हार्दिक अलग हुए थे तो नताशा पर काफी ज्यादा इल्जाम लगे थे कि यार नताशा ने हार्दिक के पैसों की वजह से उनसे शादी करी है। नताशा एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है, नताशा ने ही कुछ करा होगा तभी हार्दिक पांड्या उनसे अलग हो गए। हमारी सोसाइटी में यही होता आया है कि जब भी पति पत्नी अलग होते हैं तो सबसे पहले उंगलियां पत्नी पर उठाई जाती है, तो लोगों ने भी यही चीज करी, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए नताशा को, कहा कि आपका कहीं बाहर अफेयर चल रहा होगा इसीलिए आपने हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया और आप उसके बाद अपने घर चले गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, अब तो खैर वो वापस इंडिया आ गई हैं। तो ये सारी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन अब यूजर्स की आंख खुल गई है, लोगों की आंख खुल गई है। दरअसल एक महीना भी इस चीज को नहीं हुआ और हार्दिक पांड्या अब एक सिंगर को डेट करने लगे हैं। सिंगर कोई और नहीं, वो है जैस्मिन वालिया। जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर बड़ी छाई हुई रहती हैं, सिंगर हैं वो और मॉडल भी हैं वो, और उनकी तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो। हाल ही में जैस्मिन और हार्दिक पांड्या दोनों ने सेम जगह पर तस्वीर डाली, सेम वेकेशन पॉइंट पर तस्वीर डाली, सेम स्विमिंग पूल के आगे तस्वीर डाली, तो लोगों ने पकड़ लिया कि भाई ये तो सेम लोकेशन है, यानी दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। हार्दिक पांड्या का नाम इससे पहले अनन्या पांडे से जोड़ा गया था कि शायद हार्दिक पांड्या अनन्या पांडे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये सारे रूमर्स थे। लेकिन अब ये जो नई खबरें आ रही हैं कि जैस्मिन और हार्दिक एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों की तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें अगर आप वैकेशन वाली तस्वीरें देखेंगे, एक ही जगह पर है, दोनों के दोनों सेम स्विमिंग पूल के आगे खड़े हुए हैं। तो यानी कुछ ना कुछ तो है, ऐसे ही धुआं नहीं उठता, आग जरूर दोनों के बीच में लगी हुई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जिन यूजर्स ने नताशा को ट्रोल किया था वो नताशा के समर्थक बन गए हैं सडनली। नताशा ने हाल ही में एक फोटो डाली जिसके नीचे सब यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि भाभी हमने आपको गलत समझा, आप एक एंजल हैं और आप एंजल की तरह अपनी लाइफ जिए, हार्दिक को छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ आप अपने सिरे से सीए, नई शुरुआत कीजिए, नए तरीके से शुरुआत कीजिए। तो लोग जो नताशा को ट्रोल कर रहे थे आज वो नताशा के समर्थक बन गए। तो आप सोचिए कि यही चीज़ है, यही दुनिया का चक्र है, जो जिसको मतलब आप किसी को गलत समझ लें, उसके बाद जब आपको रियलाइज होता है तो आप ऐसे ही चीजें करते हैं जैसे कि आप सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है, नताशा और जैस्मिन इन दोनों के बीच में वाकई में कुछ है कि जस्ट रूमर्स हैं जैसे कि अनन्या और हार्दिक के बीच में उठे थे। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।